देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। यूपी में पिछले जाति की महिला और बेटियों पर अत्याचार के मामले कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। हाथरस का मामला अभी सुलझा नहीं कि यूपी के गोंडा जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां 3 बहनों पर एसिड अटैक हुआ है। यह घटना पक्का गाँव में घटी है। 3 बहनें खुशबू, कोमल और आंचल सो रही थी, तभी आरोपी ने उन पर हानिकारक केमिकल फेंक दिया, जिससे बड़ी बहन गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि 2 छोटी बहनों पर केमिकल के छींटे पड़े। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि तीनों पीड़ित बहनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक घटना के कारण के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। पीड़िताओं के पिता को पहले लगा कि सिलेंडर की आग से बेटियां झुलस गई होगी, लेकिन पीड़ित बेटियों ने बताया कि किसी अज्ञात शख्स ने उन पर तेजाब से हमला किया। एसिड अटैक के बाद लड़कियां चिल्लाई थी, जिसकी आवाज सुनकर पिता ने लड़कियों की पूछताछ की। पिता ने कहा कि घटना के वक्त वे सो रहे थे।